बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपनी इस चैनल पर जिसका नाम है मेडिकल जानकारी परपज, जहाँ पे हम देखते हैं दवाइयों के बारे में और उसके रिव्यू के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम टेंटेक्स रॉयल कैप्सूल होता है उसके साथ अगर हिम कोलिन जेल ले रहे हैं तो क्या उसके फ़ायदे होते हैं, क्या कितना असर करता है वो और क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा आपको सलाह देती हूँ कि कोई भी दवा ऐसे इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कर लें, डॉक्टर की सलाह लें उसके बाद ही कोई भी दवा इस्तेमाल करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगा कर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट करें, देखें हमारे चैनल को और अपना प्यार दिखाएँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में, अगर इन दोनों को हम साथ में इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे जो दोनों प्रोडक्ट हैं दोनों हिमालय के ही हैं, हिमालय के प्रोडक्ट अक्सर बेस्ट होते हैं। तो हम एक एक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, पहले टेंटेक्स रॉयल कैप्सूल के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी हिमालय का ही प्रोडक्ट होता है और इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो कि नेचुरल तरीके से होते हैं और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आता है इसे। आप इसे दिन में दो बार खा सकते हैं, इसका जो डोज होता है आप इसे रेगुलर तरीके से दिन में दो बार खा सकते हैं, एक सुबह एक शाम को खा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है कंपोजिशन में, इसमें पाया जाता है हाइग्रोफिला पाया जाता है, इसमें कुमकुम होता है, केसर होता है, इसमें कई सारे ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं हिमकोलिन जेल के बारे में, तो ये भी हिमालय का ही प्रोडक्ट होता है और इसका जो इस्तेमाल होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए होता है, कई सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए मैंने आपको बताया, पेनिस का टाइट ना होना, इन सारी चीज़ों की समस्या में इसका इस्तेमाल होता है। इनके रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जो टेंटेक्स रॉयल कैप्सूल होता है इसे हम रेगुलर लेते हैं, लगभग 2 महीने तक या 3 महीने तक लेते हैं, उसके बाद 1-2 महीने के बाद लेने के बाद इसका असर दिखाई देता है, इसका इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता है, ये प्रॉपर तरीके से अपना वर्क करता है उसके बाद रिजल्ट देता है। और जो ये हिमकोलिन जेल होता है इसका जो इस्तेमाल हम करते हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है हमें, तुरंत इस्तेमाल किया और तुरंत हमें इसका जो इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर आप टेंटेक्स रॉयल कैप्सूल ले रहे हैं तो साथ में आप हिमकोलिन जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जिनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम होती है और पेनिस टाइट ना होता है, बहुत ही कम समय लगता है उन्हें, तो इन सारी समस्याओं में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों टैबलेट और कैप्सूल प्लस हिमकोलिन जेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन को लेना कैसे होता है। आप टेंटेक्स रॉयल कैप्सूल डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, सुबह लेते हैं शाम ले रहे हैं, तो आप हिमकोलिन जेल का इस्तेमाल करना क्या सेफ होता है? तो हाँ आप कर सकते हैं, बट ज़्यादा मात्रा में जेल को नहीं लगाना है अपनी पेनिस पे, क्या करना है थोड़ी सी मात्रा पे लेना है और उसे अपनी पेनिस में लगाने के बाद उसके आधा घंटे बाद आपको अपने बेड पे जाना है और अपना जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम है वो आप कम कर सकते हैं, अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से इसका इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है, थोड़ी मात्रा में ही करना रहता है क्योंकि सुन्न करके काम करता है, हमारी जो पेनिस होती है उसके नर्व्स को सुन्न कर देता है, इस तरीके से वर्क करता है हिमकोलिन जेल। तो आपको ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, इस जिस तरीके से बताया गया इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप कोई भी हार्म नहीं होगा। तो दोस्तों ये था इसका कॉम्बिनेशन कि अगर आप टेंटेक्स रॉयल कैप्सूल ले रहे हैं उसके बाद अगर आप हिमकोलिन जेल लेते हैं तो क्या होता है। तो इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, कोई भी जानकारी मिली हो, थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, आपको इसी तरीके से वीडियो देखने को मिलेंगे। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें जो कि बहुत ज़रूरी है। बाय।